हेलो माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे सेशन के अंदर। आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए मेरी अकाउंट्स की सर्टिफाइड कॉपी, जो तो मैंने दिसंबर 2023 एग्जामिनेशन दिया था उसकी। मैंने स्कोर किए थे 60 मार्क्स मेरे एग्जाम के अंदर। आज आपको दिखाता हूँ कि मैंने कैसे मेरे प्रेजेंटेशन किया, आईसीएन स्टेप मार्किंग में कैसे नंबर दिए मुझे, सब कुछ बताऊंगा। और लास्ट मैंने क्या है के एग्जाम के अंदर वो भी बताता हूँ, जिससे मेरे नंबर 3 से 4 नंबर इंक्रीज हो गए थे। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना कुछ देरी के। ये देखिए, आपको दिख रही होगी मेरी आंसर की नोटबुक वगैरह। ये देखिए, आज से आपको नोटबुक मिलती है, ठीक है। ऊपर आपको सीए फाउंडेशन एग्जामिनेशन देख लिखना पड़ता है, पेपर नंबर और अकाउंट सब कुछ एक वगैरह लगाने पड़ते हैं आपको। जो तो क्वेश्चन आपने कर लिए उनके, ठीक है। 31 दिसंबर को पेपर हुआ था मेरा। चलो आगे चलते हैं। ये इंस्ट्रक्शन, सबसे पहले मैंने गाइस क्वेश्चन मैंने 6 जो लास्ट क्वेश्चन है वो स्टार्ट किया था, ठीक है। जो था अपना शेयर कैपिटल वाला, मैंने कैसे प्रेजेंटेशन की। सबसे पहले ऊपर मैंने क्वेश्चन नंबर लिख दिया, उसका पार्ट कौन सा वो लिख दिया, ठीक है। और जो प्रेजेंटेशन देखो कैसे कर देख लो आप, इन द बुक्स ऑफ ए लिमिटेड जो पार्टी का नाम था वो लिख दिया, फिर जनरल लिखा, फॉर्मेट बनाया पूरा, और मैंने जो अकाउंट शॉर्ट फॉर्मूला लिख के मैंने पूरा लिखा। क्योंकि तो अगर आप अकाउंट का शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं तो आपके नंबर काट लिए जाते हैं। ये 15 नंबर का क्वेश्चन आया था और मुझे इसमें मिले 15 में से 15 नंबर। आप देख सकते हैं यहाँ पे 6A में 15 मार्क्स मिले मुझे। ये देखिए, सारी एंट्री मैंने ऐसे बनाई है अच्छी तरीके से, आपको देख सकते हैं। ये देखिए पूरा कैश बुक वगैरह भी बनाया, ठीक है। ये भर्ती नोट बनाए थे मैंने। फिजिक्स का भी अपना थियोरेटिकल क्वेश्चन था, उसमें सब फील्ड्स पूछे थे अकाउंटिंग की, उसमें पास थे, मैंने 4 ही लिखे, 3.5 नंबर इसमें मिल गए थे आराम से। ये देखिए 4 लिखे, 3.5 नंबर मुझे मिल गए इसके। आगे चलते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर थर्ड का ए बिल्स रिसीवेबल का था, जिस कारण मैंने क्वेश्चन थोड़ा गलत पढ़ लिया था। मैंने ड्रॉवर की बुक में एंट्री कर दी थी सारी की सारी, करनी थी ड्रॉवर की बुक के अंदर, गलती से मैंने ऐसे कर दिया था, इसी में थोड़ा टाइम वेस्ट हुआ। अगर आपसे भी ऐसा हो जाता है तो आप ऐसे कर सकते हैं। देखिए मैंने इतना काट लिया पेज, उसे कोई हुआ नहीं, मेरा ऐसा कुछ कि एग्जामिनर ने नंबर काट लिए इसके, ऐसा कुछ बात नहीं होती, ठीक है। फिर मैंने आगे देखो इसका मैंने सॉल्यूशन कर दिया था ढंग से सारा, जिसमें मिले 7.5 नंबर, 10 नंबर का क्वेश्चन था ये, इसलिए बोलता हूँ क्वेश्चन एकदम ध्यान से पढ़ना, ठीक है। देखिए आपके लिए सारी एंट्री वगैरह मैंने कर दी थी, दो एंट्री मेरी गलत हो गई थी यहाँ पे, इसके नंबर कट गए। देखो इसमें 6 मार्क्स मुझे मिले इसके, जनरल जनरल में 6 मार्क्स मिल गए मुझे। फिर आर का अकाउंट मतलब ड्रॉइ ड्रोवर का अकाउंट बनाना था इसके अंदर, जो मैंने बना दिया था यहाँ पे, देख सकते हैं आप, जैसे 1.5 मार्क्स इसमें मुझे मिल गए थे आराम से। आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर थर्ड का भी भाई साहब, इस क्वेश्चन को मैं याद करता हूँ मुझे बहुत दुख होता है। इसमें एवरेज ड्यू डेट का क्वेश्चन था, मुझे ये आता था क्वेश्चन, एक मेरे से मिस्टेक हो गई क्या बताओ। उसमें क्वेश्चन में लिखा था 1 मंथ, ऐसा वो लिखा था, मैंने पढ़ा नहीं और उस कारण मेरे पूरा गलत हो गया क्वेश्चन। पर आईसीआई ने मुझे इसमें भी मार्क्स दिए, देखिए ऊपर दिख रहा होगा, 5 मार्क्स का क्वेश्चन था, मुझे इसमें मिले 0.5 नंबर, मतलब आधा नंबर आईसीआई ने मुझे दिया है इसका। ये स्टेप गलत है दोनों, देखिए ये साफ साफ मुझे लगा मैंने फॉर्मूला लिखा है, इसका नंबर दे दिया आईसीआई ने, 0.5 मार्क्स मिले, इसलिए बोलता हूँ आप क्वेश्चन कभी छोड़ना मत, जैसा भी जितना भी आ रहा है उतना कर देना। आगे चलते, आगे का तो असली खेल तो आगे है। ये देखो फिर एक अकाउंट करंट का क्वेश्चन था, वो मैंने कर दिया, 5 नंबर था, 5 नंबर पूरे मिल गए थे मुझे इसके अंदर। आप ये मार्जिन के साइड वाले भी यूज कर सकते हो, जैसे देखो आप दिख ही रहा होगा मैंने भी यूज किया है, कुछ आईसीआई को नंबर नहीं था इसके, ठीक आप यूज कर सकते हो उसको। देखिए आप अकाउंट में क्वेश्चन लंबा होता जाता, आप ऐसे कर सकते हो आराम से, ठीक है, कोई घबराने की बात नहीं है इसमें, नंबर कट जाएंगे कोई बात नहीं है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का ए बीआरएस का था, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट का, मैंने कर दिया। ये 7 नंबर का आया था, मुझे इसमें 5 नंबर दिया आईसीआई ने, पता नहीं कहाँ पे नंबर काटे मुझे भी पता नहीं चल रहा, कोई बात नहीं। आगे चलते, देखो प्रेजेंटेशन ऐसे करनी है आपको, ठीक है ना, आपको प्रेजेंटेशन देखो आप,
ये क्वेश्चन नंबर 2 का बी अपना एनपीओ वाला था। इसमें भाई मैंने एकदम चालाकी से किया ये क्वेश्चन। चालाकी किसे बोलते हैं, क्योंकि लास्ट में पास आधी घंटा बच रहा था, मेरे पास करने के लिए 3 क्वेश्चन बाकी थे। मेरे आधे घंटे में 3 क्वेश्चन करने थे मुझे, बड़े बड़े, वो भी 30 नंबर के बाकी थे। ये समझ के चलो आप, 30 नंबर के क्वेश्चन करने थे मुझे। तो मैंने किस हिसाब से किया, देखो, रिसिप्ट ऑन पेमेंट अकाउंट वाला था, मैंने बना दिया। इसमें मुझे 7.5 मार्क्स मिले और ये क्वेश्चन था लगभग 10 नंबर का था। ठीक है, देखिए ऐसे स्टेप मार्किंग के रिसिप्ट ऑन पेमेंट बना दिया मैंने, पूरा बैलेंस शीट बना दी। बैलेंस शीट में टैली नहीं हुई, टैली नहीं हुई बैलेंस शीट, आप चेक भी कर सकते हैं टोटल लगा के। वर्किंग नोट्स में मैं देखो कितने अच्छे तरीके से वर्किंग नोट्स से नंबर मिले, देखो 2 नंबर मिला वर्किंग नोट का, सामने देख लिए आप, आपके सामने 2 नंबर मिले वर्किंग नोट्स के। ऐसे कर लिया मैंने, स्टेप 4 के 3 नंबर दे रखे। फिर क्वेश्चन नंबर 1 का एक मन कर लिया, जल्दी जल्दी करा इसको भी मैंने, 5-10 मिनट के अंदर मैंने इसको सलटाया इस क्वेश्चन को। कैसे देखो, इसमें मेरा एक गलत था, तो मुझे 10.5 नंबर ट्रू फॉल्स मिले। आपको कैसे लिखना था ट्रू फॉल्स, जो आंसर देखो कोई फॉल्स है बोली दो, फिर ऐसे सजा के नहीं लिखना आपको, फॉल्स फिर रीजन, फॉल्स उसका आगे लिख दो, उसका रीजन क्या है, इनोग्रेशन एक्सपेंसिस, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वगैरह, ऐसे जो भी है करके लिख दो। सजाने की जरूरत नहीं पेपर को, जितना सजा दोगे उतना टाइम जाएगा। सच कड़वा है और सच यही है। क्वेश्चन नंबर 1 का बी था, ये 2 नंबर का आया था, तो मैंने देखो 3 लिख दिए, 1.5 नंबर मिल गया था, 4 थे इसमें डेफिनेशन। क्वेश्चन नंबर 1 का सी इन्वेंटरी से था, मेरा लास्ट में टैली नहीं हुआ, 3 स्टेप सही थे, ऐसे ने 2 नंबर दे दिए, फिर 4 नंबर का अपना ही क्वेश्चन था पूरा। फिर क्वेश्चन नंबर 5 का ए किया मैंने, पार्टनरशिप का, भाई साहब ये है ना क्वेश्चन गजब का। रीवैल्यूएशन बनाना था, पार्टनर्स कैपिटल, बैलेंस शीट, वर्किंग नोट्स, कितने बनाने थे इसके अंदर, 10 नंबर का क्वेश्चन आया था। जल्दी जल्दी में कर दिया भाई, रीवैल्यूएशन बनाया, जल्दी जल्दी बना दिया, बैलेंस शीट बना दी मैंने जल्दी जल्दी में। बैलेंस शीट के आधा नंबर, बैलेंस शीट में पूरी बैलेंस शीट बनाई नहीं थी, और रीवैल्यूएशन बनाया 1.5 नंबर इसका, 2 नंबर मिले, 10 में से 2 नंबर मिले आए इसमें। क्योंकि तो यार पूरा पेपर करना होता सब कुछ, तो पार्टनर्स कैपिटल ही बहुत बड़ा था इसके अंदर, मैंने बनाया नहीं, वो छोड़ दिया, अगर टाइम नहीं था ना तो क्या क्या कर लेगा अगला बंदा। लास्ट में ये है ना, ये मैंने मारा एकदम यॉर्कर। क्वेश्चन नंबर 5 का भी वो था, डेप्रिसिएशन का था, 5 नंबर का था, 5 में से 3 नंबर मिले मुझे, 3 नंबर इसके अंदर। ठीक है, मैंने छोड़ा कुछ भी नहीं था, आराम से जल्दी करा, मेरा डेप्रिसिएशन सही आया, ये स्टेप सही है, बैलेंस सही आ रहा था, और ये भी स्टेप सही है, सारे स्टेप सही है, 3 नंबर मैंने पूरा बनाया नहीं, वो भी बनता आगे, 3 नंबर मिलते मुझे इसमें। मैं तो उसको छोड़ने वाला था एक बार, तो क्वेश्चन को छोड़ देते इसको, मैंने छोड़ा नहीं, मैंने कर दिया। अब मैं आपको एक हैक बता देता हूँ जल्दी से, वीडियो तो लंबी ना हो इसलिए। देखो गाइस, पेपर में क्वेश्चन नंबर 1 कभी भी स्टार्ट मत करना शुरुआत में, क्योंकि वो शॉर्ट क्वेश्चन होता है। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन होता है वो, इसलिए उसको लास्ट में करोगे तो बेटर है। जो ज्यादा नंबर का क्वेश्चन है ना, उसको पहले पकड़ो और करो। ठीक है, मैंने भी ऐसे लगाया था दिमाग मेरा, और मेरा दिमाग एकदम, तो प्लान है एकदम सक्सेसफुल हुआ भी। अगर आप शुरुआत में वो कर लोगे फर्स्ट क्वेश्चन, उसमें कुछ आएगा तो आप ऐसे घबरा लोगे, पहली बार जो सबसे पहले आता है वो उठाओ क्वेश्चन, और जो आपको 15 मिनट मिलते हैं ना पेपर रीडिंग के, उसमें आप कोई एक ऐसा क्वेश्चन उठा लो जो आपको आता है, उसको सॉल्यूशन करना स्टार्ट कर दो। कॉपी आपको मिलेगी नहीं आंसर वाली, पेपर मिलेगा, पेपर के पीछे रफ वर्क होता है, वो आप वो क्वेश्चन सॉल्व कर लो, थोड़ा बहुत सुना हो फिर उनको लिख दो, इससे आपका टाइम बच जाएगा। ये आपके लिए एक बेनिफिशियल टिप दी थी मैंने। अगर आपको ये अच्छा लगा हो वीडियो तो एक इसके लिए एक लाइक कर दो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसे वीडियो देखने के लिए। सीए फाउंडेशन के लिए मैं लाता रहूँगा ऐसे वीडियो, और आपको पता ही है मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में पास किया था एग्जाम, अन अकेडमी से पढ़ के किया था मैंने, अन अकेडमी से पढ़ता था मैं, ऑनलाइन क्लास की थी। ठीक है, इससे कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, अगर अभी भी कोई डाउट बच गया है आपके मन में तो कमेंट बॉक्स में लिख दो, मैं आपका डाउट जरूर से जरूर सॉल्व करूंगा। ओके, बाय बाय, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन, 4D के आ जाना पेपर। ठीक है, जून 24 तुम्हारा ही है।